पहचानने में होता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस जगह जाके कमजोरी मैंने दिखाई। हर इंसान अच्छी ठंडी खूबसूरत सुख वाली जिंदगी चाहता है। अल्लाह करीम ने सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा, फरमाया जो भी अच्छे अमल करे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, शर्त यह है कि मोमिन हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देंगे, हयात तय्यिबा दे देंगे उसे पाकीज़ा ज़िंदगी। शर्त क्या है? मन आमिला सालिहा, नेक अमल करे। कौन से अमल करे? उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना मोहतात हो उसका, वो नेकी करे। कुरान पाक के लफ्जों के हुस्न पर गौर फरमाइएगा, फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर उसे पाकीजा जिंदगी अता फरमा दें, साफ सुथरी जिंदगी, मियारी जिंदगी, खूबसूरत शबरोज, आइडियल जिंदगी जिसको लोग कहेंगे वो वाली जिंदगी उसे देंगे। और दूसरे मकाम पर सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाया, वमन आरादा अन ज़िक्री, जो हमारे जिक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ करेगा, जो चलेगा हमारी जमीन पर लेकिन तवज्जो किसी और तरफ होगी, आसमान की छत हमारी बनाई हुई लेकिन इसके ख्यालात कहीं और होंगे, फइन्ना लहू मईशतन तंगा, फरमाया हम उसे तंग जिंदगानी अता कर देंगे, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। गुनाह जिंदगी को तंग कर देते हैं, नेकी जिंदगी में आसानी पैदा करती है। आपको अगर जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो आप किसी गरीब की खिदमत करके देखें, अल्लाह कितना सुकून अता करता है। आप बड़े पावरफुल भी हैं, बड़े ताकतवर भी हैं और बड़े बावकार भी हैं, लेकिन किसी को गाली दे के आपका दिल कभी ठंडा नहीं होगा, तकलीफ होगी, उसके अंदर आजमाइश हो। डॉक्टर रिसर्च करते हैं, डॉक्टर वो कहते हैं गुनाह करने से आदमी जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, लेकिन वही अमल अगर वो बतौरे नेकी करता है तो अल्लाह उसमें उसे कुव्वत अता फरमाता है, उसी अमल में अल्लाह उसे कुव्वत अता कर देता है। मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, इस बात की तफसील में नहीं जाना चाहता। मेरे अजीज ये याद रखें कि नेकी आपको सुकून देगी, नेकी आपको ठंडा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों पे अजाब नाजिल किया और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उन कौमों के तज़किरे बयान फरमाए। भाई किस लिए बयान किए? कि हम इबरत हासिल करें, हम ये गौर कर लें कि ये काम हमने नहीं करना, इस काम से हमने बचना है, हमने गौर करना है कि ये चीज हमारे अंदर। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हम पे ये अजाब नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें शक नहीं, पर अल्लाह ने बयान किस लिए किया था? बयान क्या? कुरान मजीद माज़ अल्लाह किसी ऐसी चीज का बयान करता है जिसकी जरूरत ना हो? कुरान पाक ने एक एक हरफ ऐसा बयान किया जिसकी मुसलमान को जरूरत थी। कौम नूह का जिक्र फरमाया कुरान पाक ने, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया, 1500, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूं। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूं खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के तीन तरीके हैं, एक है मुतनब्बे करना, तंबीह करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन उसकी छठी इसने कहा कि वो फलां जगह गलती की थी तब ऐसा हुआ है। होता है ना कई दफा आवाज आती है ना अंदर से, चले बोल दे कुछ नहीं होता आपको, अल्लाह जानता है यहां कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, और हमारी तो वीडियो भी नहीं घूमती, यानी खबर भी नहीं हो कि किसने हां कर दी किसने ना कर दी,
आप बगैर टेंशन के बातचीत करें आज, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह ताला। आती है अंदर से आवाज। मैं आपसे इसलिए इन चीजों की तस्दीक कराता हूं कि बाकियों को भी आती है कि नहीं, इसलिए तस्दीक। कभी कोई किसी जगह इंसान परेशान होता है तो महसूस करता है कि वहां मुझसे होता है ना जी। जिसको ये नसीब हो जाए बड़ा खुश नसीब आदमी है। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अगर तुझे दुनिया में सजा मिल गई तो तू बच गया है, समझ फिर अल्लाह करम करेगा, आखिरत में सजा नहीं देगा। और ये याद रख ले, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम वयाफुअन कसीर। अल्लाह फरमाता है दुनिया में तुझे जो भी तकलीफ पहुंचती है वो तेरे हाथों के करतूतों की वजह से पहुंचती है। वयाफुअन कसीर, फरमाया कसीर गुनाह तो मैं वैसे ही माफ कर देता हूं। ये जो तेरी जिंदगी में दुख है ना, ये भी मेरी कलील सजाएं हैं। ये कसीर पर सजा, ये कलील है कलील, ये जो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें। इंसान को सजा मिलती। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह ताला ले घोड़े पे बैठे थे, घोड़ा शरारत करने लग गया, उछलने लग गया, कूदने लग गया, तो हजरत फुजैल बिन अय्याज नीचे उतरे, एक कोने में जाके नमाज की नीयत मांग ली, दो रकअत नमाज पढ़ी, फिर देर तक इस्तिगफार पढ़ते रहे, रोते रहे, दुआ करते रहे, वापस आए। खादिम अर्ज करने लगे, हुजूर समझ नहीं आई, घोड़े ने थोड़ी सी शरारत की, वो बिदका है, आपने उसको छोड़ा है और छोड़ करके आप नमाज में लग गए। तो हजरत फुजैल बिन अय्याज फरमाने लगे, जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो जो चीजें उसकी फरमा बरदार होती है वो उसकी नाफरमानी करने लग जाती है। तो मुझे महसूस हुआ था कि मैंने कहीं अल्लाह की नाफरमानी की है, इसलिए ऐसा हुआ है कि मेरे घोड़े ने मेरी, तो मैं तौबा करने लगा हूं। और आप देखता हूं बैठ के भला क्या होता है, मैंने सच्ची तौबा, हालांकि मुझे याद नहीं कि मैं कहां बोला, पर खरी और सच्ची तौबा की। दोबारा घोड़े पे बैठे तो घोड़ा बिल्कुल सही होकर साथ चलने लग गया। मेरे भाई, जब ये तंबीह है अल्लाह की तरफ से, ये मुतनब्बे किया जाता है कि तू बाद आ जा। बहुत सारी जगहों पे इंसान को वक्ती तौर पर अगर सजा मिल जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आए, बात मजबूत कर दूं, वाकया सुनाया है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये वाकया है, तो मैं एक हदीस पाक इमाम बहकी की लिखी हुई अर्ज करता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आए और उनका सर फटा हुआ था, खून बह रहा था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की, हुजूर एक औरत जा रही थी, मेरी नजर पड़ी, अभी नजर पड़ी है कि मेरे आगे सुतून आ गया तो मेरे सर पे लग गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे लिए खुशखबरी है, अगर दुनिया में तेरी गलती की तुझे सजा मिली है तो फिर रब तुझे कयामत में सजा नहीं देगा, फिर अल्लाह कयामत में सजा। बाज गुनाह ऐसे हैं जिनकी यहां भी सजा मिलेगी और वहां भी मिलेगी, लेकिन मेरे भाई पहली बात यह है कि अल्लाह ताला उस गलती की यही सजा दे ले, और दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला यहां भी माफी अता फरमाए, वहां भी माफी अता फरमाए, अल्लाह दरगुजर ही फरमाए। लेकिन मेरे भाई, एक तो ये सजा, एक सजा ये होती है कि इंसान जब गुनाह करने लगता है तो अल्लाह नेमतों के दरवाजे खोलता है, मोहलत देता है। 500 साल तक फिरौन को मोहलत दी, कितने? यहां जो 5 साल हुकूमत कर लेता है वो कहता है सबसे काबिल मैं ही हूं, मुझे मोहलत जो मिली हुई है। 500 साल मोहलत दी अल्लाह ताला ने, और फिरौन की कौम पर पता आप किस तरह के आए थे, टिड्डियां मुसल्लत कर दी अल्लाह ने, ये घूमती नहीं छोटी सी। हम अपनी जुबान में उसको कुछ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, कोई मकड़ी कहता है, कोई कुछ कहता है, मुसल्लत कर दी, जाती नहीं। उन पर बनी इसराइल के उन मुकाबल जो फिरौन की कौम थी उन पर अल्जाम, इस तरह का अजाब आया कि मेंढक मुसल्लत कर दी अल्लाह ताला, बर्तन खोलते थे अंदर मेंढक निकलता था, दुनिया की हर दवाई इस्तेमाल करते थे लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों को, हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो, पर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, 6 औलादे, एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था, मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे, दुआ करें। इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा है तो ये अजाब नहीं?
कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी। ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता, तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75-75, 76-76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? मामूली बात है। नहीं नहीं, हमारे रंग गोरे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे, अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई, ना सैलाब आए, एक तंदूर था उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है? पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी, एक तंदूर से पानी निकला, इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बचे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं बात, माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजदा दिखाओ। जी आज दुनिया लोग मौजे मांगते मांगते, आज भी लोग करामते और मौजे, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजदा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते, क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इसलाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हजरत सालेह अलैहि सलाम से कहने लगे पहले मौजजा दिखाएं, तो हजरत सालेह अलैहि सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली और ऊंटनी भी गाभिन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी, एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी, एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी, और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, फरमाया इसकी बेअदबी ना करना, बाज नहीं आए, लोग बाज नहीं आए, कहने लगे जी दूध देना तो ठीक है पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना ये सही नहीं, ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं थी, दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊंटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता, लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पर छुरियां लगाई, ऊंटनी जब मर गई
اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہر، زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں، منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف ودا کرنا، کس کٹھن سے حج کیا بڑھاپے میں، پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا، تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو وہ تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر دیکھ، کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا، کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تولیا اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا. داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اس سے. قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے ہیں. حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات. تو میں رونا روتا ہوں، اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرت کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام،
वो तरीका कार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। मैंने गुजरांवाला की सड़कों पे बच्चों को नौजवानों को जो तमाशे करते सरेआम देखा है, तो मुझे डर लगता है। और कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, हंस रहे हैं, और सामने औरतें भी हैं, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो, और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाय से बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम ना मानी, तो जो कौम कौम में लूत का अमल करे उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। फिर पत्थर बरसे और जिनके बड़े बड़े अच्छे दिमाग थे उनके दिमाग चकना चूर कर दिए गए, तबाह कर दिए गए, उनके दिमाग जमीन पर बिछाड़ दिया गया। अल्लाह मोहलत देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान तौबा ही ना करे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अज़ाब आया, इसलिए कि बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। मैंने कहा था शबे कदर की रात कि ये कोई तमाशा है कि शब रात आई तो सारी रात रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, रो रो के चीखे मार मार रोए। शबे कदर आई तो फिर चीखे मारी, सारी रात रोए। तो जिस बंदे का प्रोग्राम ही नहीं सवेरे बदलने का, दुकान पे बैठ के फिर वही नाप तोल में कमी, फिर वो अल्लाह ताला माफ करे। मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो वो फूड के स्पेशली लोग तुम्हें लिखा था, मेहरबानी करो मिलावट ही अच्छी चीज की कर लो, मिर्च में केरी तो ना मिलाओ ईंटों की, वो तो बीमार करती है, वो तो खून की आंतों को रोक देती है। वो कहने लगा, और वो कहता मैं तुम्हें बताता हूं कौन कौन सी चीज मिलाई जा सकती है, वो मिला लो। खुदा रा इस कौम पे रहम करो, मेहरबानी। एक दोस्त है हमारे, मैं वजीराबाद में उनके घर बैठा था, तो एक मेडिकल, मेरा किसी शख्स पे इतराज करने का, मैं मजमूई बात करता हूं, मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जो अल्लाह ताला फजल करे सचमुच के नेक हैं, अच्छे लोग। तो बच्चे का मेडिकल स्टोर है, तो वालिद बीमार हो गया, तो कहता है अब्बा जी डॉक्टर साहब ने कहा आपको ड्रिप लगनी है। तो सगे बाप को ड्रिप लगाने लगा, तो बाप क्या कहता है, कहता है पुत्र तेरी मेहरबानी, मैनू कोई असली लाई, ओना लाई जड़ी लोगों नू लाना है। अब वो प्यार से सुना रहा है बात। मैंने उसे कहा कि ये तो डूब मरने का मकाम है ना, डूब मरने का मकाम, कि जिस मुल्क के अंदर दवाई भी सही ना बिके, असली ना मिले दवाई भी, और फिर वो कौम कहे कि हमने तो पूरे रोजे रखे, हमने तो बड़ा सदका और खैरात किया, दवाई भी असल ना मिले। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बता अज़ाब किस तरह का भेजा, शदीद गर्मी हुई। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सारे आमीन कह दिया, देखे कितना अच्छा मौसम कर दिया रब करीम। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। शदीद गर्मी की लहर आई, बाहर इतनी गर्मी हुई कि लोग अपने घरों में घुस गए, जिस तरह सूरज की शुआएं घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, इस तरह गर्मी की लहर अंदर दाखिल हुई। और जिस तरह किसी को आग लग जाए तो वो आदमी उछलता कूदता है ना, इस तरह ये लोग उछलने लगे और उछल कूद के मर गए। जुर्म क्या था, नाप तोल में कमी करते। हजरत दाऊद की कौम भी तबाह हुई। जुर्म क्या था, हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी तो ये पकड़ते थे। हुक्म है ना मुसलमान को नमाज के टाइम कोई और काम नहीं करना, नमाज पढ़नी है। मेरा ख्याल है मुसलमान तो फटाफट आ जाते हैं, सारे ही पहुंच जाते हैं ना मस्जिदों में। हल्का हल्का बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं पहुंचते। अगर हजरत सैयद, और पता है उन्हें सजा क्या मिली, अल्लाह ने फरमाया इस टाइम इबादत करनी है, काम नहीं करना, वक्त नहीं है काम का। उन्होंने मछलियां पकड़ी, 12,000 लोग थे, पता है मालिक ने सजा क्या दी, बंदर बना दिया अल्लाह करीम। कुरान मजीद का पहला सिपारा पढ़े, फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फहा, अल्लाह फरमाते पिछलों के लिए भी इबरत बना दिया, बाद वालों के लिए भी इबरत, निशाने इबरत बना दी, बंदर बन गए। और जो उनके दोस्त जो बच गए थे उनके पैर चूमते थे, रोते थे, 3 दिन बंदर बन के जिंदा रहे, फिर अल्लाह ने सबको इज्तिमाई मौत दे दी। तो अगर मुसलमान से अल्लाह कहे कि नमाज के टाइम कारोबार नहीं, जुमे के टाइम कारोबार, तो मुसलमान कहता है नहीं मुझे मोहलत मिली हुई है। ये तो उस वक्त पता चलता है ना
जब बच्चे ड्यूटी लगाते हाँ 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 अजाब आता है, उस वक्त पता चलता है, मैंने देखा ये मंजर, उस वक्त पता चलता है जब बच्चे किसी मुलाजम 6000 के की ड्यूटी लगाते, कहते हैं अब्बे का ध्यान रखना, हम दुकान पे बैठने लगे। फिर उसे समझ आती है अगर मैं नमाज के टाइम मस्जिद में होता तो आज मेरी औलाद मेरी खिदमत में होती, मैं नमाज के टाइम मस्जिद नहीं गया तो बच्चों ने 6000 का मुलाजम बिठाया है, अब्बा जी का ख्याल रख, एक नर्स बुलाई है तू ख्याल रख, किधर होते हैं मुसलमान नमाज के टाइम। एक ईसाई ने इतराज किया है, सुने, वो कहता है मुझे लगता है मुसलमानों के 3 खुदा हैं। मुसलमान अड़ गया, कहने लगा नहीं हमारा तो एक है। कहा नहीं 3 है, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हमारा एक है। कहने लगा नहीं मैं साबित करता हूं, एक तुम्हारा खुदा 5 नमाजों का है, एक रमजान का है, एक ईद का है। लगता है माज़ अल्लाह ईद वाला ज्यादा तगड़ा है, तुम ज्यादा आते हो, रमजान वाला लगता है उससे कुछ कमजोर है, तुम थोड़े आते हो, और 5 नमाजों वाला शायद सबसे कमजोर है। बात अकल की है कि नहीं? उसने इतराज ठीक किया। तो मुसलमान को चाहिए ना ख्याल करे। एक यहूदी ने लिखा था, उसने कहा था जिस दिन मुसलमानों की तादाद फजर की नमाज में उतनी हो गई जिस दिन जुमे जितनी जुमे में होती है, उस दिन ना कोई यहूदी साजिश करेगा ना कोई ईसाई तलवार निकालेगा। शर्त यह है कि ये उसी तरह फजर पढ़ने आए जिस तरह जुमा पढ़ने आते हैं, तो फिर कोई शख्स भी इनको किसी जगह शिकस्त दे सकता। तो अपने हमारे गुनाह हमें परेशान करते हैं, ये जितनी आजमाइशें हैं इनके पस मंजर में गुनाह है। हमारी जिंदगी के अंदर जितनी तकलीफें, हमारी परेशानियों का सबब हम खुद हैं। बहुत सारी जगहों पे हम गलती करते हैं, उसकी हमें सजा मिलती है, गलती की सजा। एक नौजवान ने मुझे बड़ी गहरी बात सुनाई, मेरा करीबी ताल्लुक था, कहने लगा घर में बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, माँ और बीवी का माहौल इतना सख्त हो गया है कि निमट नहीं सकता। आप यकीन करें मैंने डिटेल से सारी चीज को स्टडी किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी मैंने उस फैमिली को पूरा पढ़ा, तो गलती नौजवान की निकली, ना उस पर अम्मा इतबार करती है ना बीवी इतबार करती है। उसने झूठ बोल बोल के इतना की माहौल पैदा कर दिया है कि कोई उस पर एतमाद करने को तैयार है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं, पता है घर में माहौल कब खराब होता है? बाहर वाले हमारी तकरीर सुनते हैं, घर वाले हमारा अमल देखते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये किस तरह का शख्स है, इसके रवैये, इसका किरदार, इसका लबो लहजा कितना बुरा है और ये किरदार का कितना कमजोर है। आला हज़रत फरमाया करते थे नेक वो होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है, इसलिए माहौल बिगड़ जाता है। ये जो हम कहते हैं ना मेरे सज्जन बड़े बनते हैं फिर टूट जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है, वो कहीं और के काबिल क्यों भला? इसलिए कि उनके किरदार में ठंडक देखता है, उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूं। फरमाने लगा बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पर ना रह, किसी और की जमीन पर चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता, तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाबे इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाइल को भेजा मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश। हम खाते भी अल्लाह का है, ना फरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं ना फरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते, इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो,
गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहां भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स पे कहा था, फिर बात कहता हूं, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। देखे ना, एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया, अंदर उसके ये था कि इक्तदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए, लोग उसके गर्विदा हो गए, लोगों ने पूरी, और मेरी कौम ने तो बिचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा, आज धोखा दे लिया, लोगों को पीछे लगा लिया। ये बताओ, अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, जब ज़लज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, वह अख़रजतिल अर्ध अस्कालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल दी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए। वक़ाल इंसानु मालहा, इंसान कहेगा इसे क्या हुआ, ये तो सब कुछ बता रही, बोझ बाहर निकाल देगी। एक आदमी पीरे तरीकत बन के बैठ गया, जुब्बा खुब्बा पहन के, बड़ी पगड़ी बांध के बैठ गया, अच्छी अच्छी नेक बातें बताने लगा, लोग उसकी दस्त बोसी करने लगे, हाथ चूमने लगे, पीछे लग गए, खिदमत करने लगे, जेब से नजराना देने लगे, उसके नाम पर लोग अपनी जेब से लंगर पकाने लगे, खानकाह की खिदमत होने लगी। मेहमान उसके आते, नौकरी कोई और करता। मैंने कहा था शायद अपने लिए कह रहा हूं, ड्यूटियां लोग करने लगे, हालात बदलने लगे। लेकिन उसके अंदर तो चोर था, वो तो दुकानदार था, तो यहां जो उसके पीछे लगे थे वो तो सच्चे थे, उन्हें तो अजर मिलेगा। लेकिन उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी रुसवाई होगी, उसका जब राज खुलेगा तो बड़ी। एक मेरी तरह का दीनदार था, जो चेहरे का तो नेक था, अंदर पता नहीं क्या कुछ था। एक तवायफ गुजर रही थी, उसने उसको तबलीग कर दी, आने लगा बस कर दे सियाणी बन जा। तो किसी दानिश्वर में लिखा है उसने बड़ा सख्त जवाब दिया उस औरत ने, कहने लगी बाबा मैं तो जो हूं वो नजर भी आ रही हूं, तू बता जो तू नजर आता है वो तू है कि नहीं। उस बंदे ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ा। तो लोगों ने कहा बाबा आज किसी सूफी का कलाम सुना है जो बेहोश हो गया? तो उसने कहा नहीं, आज तवायफ की बात सुनी है, तवायफ की। और वो अजीब बात कर गई है, वो कह गई है मैं तो जो हूं मैं नजर आ रही हूं, तू भी तो बता ना, तू बता ना कि तू दस्तारे इमामत पहनता है, तू बता तू जो कहलाता है तू वो है कि नहीं। ये वकाल अल इंसानु माला, ये राज कयामत में खुलेगा। हम जो कुछ बता रहे हैं ना अपनी जुबानों से, हमें अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जब सजा मिले तो फिर इस तरह की मिले कि दोबारा किसी को कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मेरे भाई याद रखें और समझें, गुनाह इंसान की जिंदगी को तंग करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू झूठ बोलता है तो तेरे फरिश्ते किरामन कातिबीन साइड पे होके खड़े हो जाते हैं, जब तू जिना करता है तो तेरे अंदर से ईमान निकल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में ना इंसाफी आम हो जाएगी तो कत्ल भी आम हो जाएगा। और सुन लो लिख लेना ये हदीस दिल की तख्ती पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मेरी कौम में बेहयाई और बदकारी आम हो जाएगी तो दो सजाएं अल्लाह देगा, एक तो जवान मौतें आएंगी, जवान बच्चे कुछ भी नहीं देखा चले गए, और दूसरी सजा अल्लाह ये देगा कि ऐसी बीमारियां आएंगी जिनका इलाज नहीं मिलेगा, ऐसे अमराज फूट पड़ेंगे। अगरचे
मैं आपको ऐसी तकरीर भी सुना सकता था जिस पे आप बहुत ज़्यादा महजूज होते, पर मैंने जुमा इस जुमे में ऐसा मौजू चुना है जिसका हमें खास जरूरत है। भाई देखे तो सही, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन ऐबों में मुब्तला हैं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ दोगे, फिर अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत करेगा। और अगले लफ्ज उससे भी ज्यादा सख्त हैं, महबूब फरमाने लगे, फिर तुम्हारी नेक लोग दुआएं भी करेंगे तो अल्लाह वक्ती तौर पर उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा, इसलिए कि तुम लोगों ने नेकी का हुक्म देना और भलाई से रोकना छोड़ दिया। अजीजों याद रखो, जब गुनाह आम होते हैं तो फिर हालात बदलते हैं और लोगों को सजा मिलती है उनके गुनाहों की, बल्कि यहां तक लिखा है कि नीयत खराब हो तो सजा शुरू हो जाती है। क्या खराब हो बोलिएगा, नीयत भी खराब हो तो सजा। हजरत रूमी कहते हैं कि एक बादशाह को पता चल गया कि एक आदमी ने बड़ा अच्छा बाग लगाया है, खूबसूरत बाग है, माल्टे का, किन्नों का बाग, बड़ा प्यारा। बादशाह ने कहा जरा जाके देखता हूं। बादशाह सलामत बाग देखने आए तो अब वो मजदूर आदमी था, आम आदमी था जिसने बाग लगाया, किसान था, उसको कहा कि चंद किन्नों तोड़ के ला। तोड़ के लाया तो बड़े प्यारे लगे, एक दो और ला, और लाया, खाए, बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े तवाना, बड़ा मजा आया। तो बादशाह के दिल में ख्याल आया कि इस पे कब्जा ना कर लूं बाग पे। हमारे यहां ना किराए पे दुकान देता ना मालिक, तो जब किसी गरीब की चल जाती है कहता है तू खाली कर, मैंने खुद डाल ली है, चल गई ना उसकी। हालांकि रिस्क अपने अपने नसीब का है, रिस्क अपने अपने नसीब का है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है अता करता है। तो उसको कहा कि और तोड़ के ला, और दिल में ख्याल है कि यार इतना अच्छा बाग है, कब्जा कर लेते हैं, हमारी घूमते कब्जा कर लेती है कि जो चीज अच्छी लग जाए। अब वो किसान दो तीन किन्नों तोड़ के लाया, उसने खाए तो खट्टे निकले, तुर्श थे। कहने लगा तुझे क्या हो गया है? तो बंदा बड़ा साहिब दिल था, कहने लगा मैं तो ठीक हूं, आप अपनी नीयत से पूछें कहीं खराब तो नहीं हो गई। तो किन्नों में भी उसका असर आ गया है, अपनी नीयतें बिगड़ जाए ना नीयतें। अब एक बात कहने लगा हूं, गौर से सुनना, जब तक दो भाई इकट्ठे कारोबार करते हैं नीयत होती है कि हमारा घर चलेगा, तब तक अल्लाह बरकत देता है, और जब अपनी अपनी जेबें समेटने लग जाते हैं ना कि ये मेरा 5,000 है आज मैं गया था उगराई करने, ये मेरा 10,000 है आज मैंने मेहनत ज्यादा, जब वो टटोलने लगते हैं फिर उस दुकान से भी बरकत उठ जाती है, फिर वहां से भी बरकत चली जाती है। फाइन लहू मई शतन धन का फरमा, जब तू मैं मुंह फेर लेता है फिर तेरी जिंदगी अल्लाह तंग कर दे, फिर वहां से भी बरकत खूबसूरती असर उठ जाता है। एक सुनार ने गली में एक यतीम छोटे से बच्चे को घूमते देखा, तो सुनार बेऔलाद था, बच्चे को उठा के घर ले आया, 18 साल उस बच्चे की परवरिश की, उसको पाला पोसा, जवान किया। सुनार के पास वो दुकान पे चला जाता, वो कई दफा दुकान पे रहता, कई दफा घर में रहता, एक दफा वो दुकान पे था, बच्चा घर था, 18 साल का जवान, उसकी बीवी अकेली थी, वो जिसने मां बन के पाला था उसने उसी पर हमला कर दिया, उसका बाजू बुरी नीयत से थामा, बीवी चीखी, थोड़ी देर गुजरी तो वो नौजवान पैरों में बैठ गया, कहने लगा अम्मा पता नहीं मुझे क्या हुआ। शाम को सुनार आया, बीवी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी आज अजीब बात हुई, जिसको मैंने जिगर का खून दे दे के पाला उसी ने गंदी नजर डाली। सुनार महवे हैरत है, बीवी का ख्याल था कि लाठ उठाएगा, डंडा उठाएगा, नौजवान को मारेगा, लेकिन वो रोने लग गया। उसने कहा आज उसने मेरा बाजू थामा है, जाने क्या किया है। परेशान होने लग गया, सजदे में गिर गया, कहा तू बताता क्यों नहीं। तो वो सुनार कहने लगा उसकी गलती नहीं, 18 साल के बाद आज मुझ पर भी शैतान सवार हुआ था। एक औरत आई थी, वो अपने बाजुओं में चूड़ियां पहनना चाहती थी, तो मैंने भी गंदी नजर से हाथ डाला था, रब करीम ने मुझे फौरन उसकी सजा दी। जिनके घरों में बेटियां होती हैं उनकी नजरें गंदी नहीं होती, जो बेटियों के बाप होते हैं, जो बहनों के भाई होते हैं उनकी नजरें गंदी। और अगर तू टेलीफोन करता है, तू किसी औरत के साथ ताल्लुक रखता है तो ये बात लिख ले, इमाम फखरुद्दीन राजी 1, अलामा इस्माइल हकी 2, मुल्ला जलालुद्दीन रूमी 3, इमाम खाजन 4,
इमाम जलालुद्दीन सुयूती पांच पांच हदीस के उस्ताद और मुहद्दस लिखते हैं कि अगर तू किसी पर गंदी नजर डालेगा तो तेरा घर बच सकता, याद रख नहीं बचेगा, इसलिए कि तेरी नजर किसी की बेटी को बेटी समझ ताकि तेरी बच्ची का पर्दा कायम रहे, किसी की बहन को, ये क्या बात हुई कि तू जितना मर्जी गंद मुआशरे में फैलाता रहे तेरा घर बचा रहे, ये कैसे हो सकता है। लहू मई शतल दन का, अल्लाह फरमाते हैं जिंदगी तंग हो जाएगी तेरे लिए, तेरे लिए मुश्किल, तू ढूंढता फिरेगा कि मैं मरने को जगह तलाश करूं। सच्ची तौबा करें, खरी तौबा करें, ये गुनाह इंसान को मजबूर कर देते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके सैकड़ों शागिर्द थे। एक शागिर्द के इंतकाल का वक्त आया तो घर गए मिलने, आप कहते हैं मैंने जोर लगा लिया पर उसकी जुबान पर कलमा जारी नहीं हुआ। मैं उसे कहता कलमा पढ़ पर उसकी जुबान पर जारी, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी नेमत है, दुआ फरमाए अल्लाह ईमान की मौत अता फरमाए, ईमान की मौत दे, अल्लाह करे ईमान की मौत दे। ऐसे भी लोग देखे हैं, मस्जिद नबवी है, रसूलुल्लाह का शहर है, सर सजदे में है, रूह परवाज कर गई, रूह पर, कितना नसीबों वाला है, कितना नसीबों वाला है कि मस्जिद नबवी में सर सजदे में रखा है और अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के कदमों में मौत अता फरमाई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैंने उसको कहा कलमा पढ़ तो उसकी जुबान पर जारी नहीं होता, मैं बार बार कहता तो वो मिन्नत करता, कहता हुजूर मैं कोशिश करता हूं जारी नहीं होता। फरमाते मैं परेशान होकर उठा, अभी मैं दरवाजे पर पहुंचा था उसने चीख मारी और रूह परवाज कर गई, बच्चे रोने लगे, बीवी रोने लगी। तो मैंने उसकी बीवी से कहा कि जुर्म क्या करता था, इतना बड़ा पापी पे कलमा जारी नहीं हुआ। उसकी जौजा कहने लगी हजरत जी दो गुनाह थे इसके, एक तो ये शराब का आदी था, रोकती थी बाज नहीं आता था, और दूसरी बात यह कि ये अपनी अम्मा का नाफरमान था, वो दो गलियां छोड़ के रहती है, ये कभी मिलने नहीं गया था, उस बूढ़ी का कलेजा इसकी तरफ से बड़ी तकलीफ में था। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहने लगे जा तू भी दुआ कर, उसकी माँ को भी कह दुआ करे कि यहां तो ये कलमा नहीं इसे नसीब हुआ, अल्लाह करे अल्लाह आखिरत की मंजिल इसकी बेहतर फरमा दे। मेरे भाई ऐसे गुना, हजरत मालिक बिन दिनार ने तौबा की, तौबा की उन्होंने, किस तरह फरमाते मैं नशे का आदी था, किसी ने मुझे कहा कि बतौर दवाई शराब पी लो तो मैंने पी ली, नशे का आदी था, शराब पीता था। अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और कोशिशों के बाद, मिन्नतों के बाद एक बेटी अता फरमाई, वो भी ढाई तीन साल की हुई तो पर्दा कर गई। कहते मैं उसकी कब्र पे बैठ के घंटों रोता, शराब का आदी था। एक दिन सोया तो ख्वाब देखता हूं कि मेरे पीछे एक बड़ा सांप लग गया है, और सांप जब मुंह खोलता है तो अंगारा निकलता है। मैं फिर दुआ करता हूं अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमसे दरगुजर। मैं कुछ कब्रस्तानों में जाता हूं तो मैं वहां मैं सांप बिच्छू फिरते हुए देखता हूं, डर आता है, डर आता है कि हम यहां आने वाले हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी तैयारी है, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा कि चलो भाई चलो फलां साहब का जनाजा है, उठो। लोग कहते हैं जल्दी करो, और एक कोने में एक शख्स ये भी कहता है कि देख भी रख लो मेहमान बड़े जमा हो गए, और एक कोने में यो लोग ये भी कहते हैं कि बर्फ ठंडी ले आओ, लोगों ने पानी भी पीना। पहले ऐलान होता है कि फलां फौत हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजे का टाइम हो गया, फिर ऐलान होता है जनाजा उठाया जाएगा, और फिर बात खत्म हो जाती है, फिर कुल्लु मन अलैह फान, फिर कोई नहीं पूछने आता, खत्म हो गए, किस्सा ही खत्म हो गया, उन लोगों की कहानी मिट गई, खत्म हो गए, बड़े बड़े कंज कुला, कोई पूछने वाला नहीं। मौत का राज है, राज है मौत का, राज मौत राज करती है बस, और किसी का राज नहीं, वो राज करती है, जिधर जाती है उसी का राज है, राज कर रही है। तो हजरत मालिक बिन दिनार कहते कब्रिस्तान में मैंने देखा, मैं ख्वाब देखता हूं बड़ा अजदहा, उसके मुंह के अंदर आग मेरा पीछा कर रहा है, कहते मैं ख्वाब देख रहा हूं, मैं दौड़ा, लेकिन वो अजदहा जब मैं दौड़ा तो मेरे आगे आके खड़ा हो गया, मैं मशरिक को दौड़ा तो वहां भी आ गया, मगरिब को दौड़ा तो वहां भी आ गया। जनाब मालिक बिन दिनार कहते हैं एक बूढ़ा शख्स कमजोर मुझे बचाने आया, पर उस अजदहा ने फूंक मारी तो वो बूढ़ा आदमी दूर जा गिरा। कहते मैं चीखता था चिल्लाता था, एक पहाड़ी पे मैं भागा गया तो वहां मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे फौत हो गई।
वो उस अजदहे के आगे उसने यूं हाथ किया तो अजदहा पीछे भाग गया। मैंने बेटी को गोद में उठाया, मैंने कहा बेटी ये कौन था? कहने लगी अब्बा ये तेरा बुरा अमल था, ये तेरा बुरा अमल था, ये तुझे खा जाता अगर मैं ना होती। तो कहा ये बूढ़ा जो मुझे बचाने आया ये कौन था? कहा ये तेरा अच्छा अमल था पर कमजोर बड़ा था, थोड़ा था, ये तेरे बुरे अमल का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता था। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरी बेटी ने ख्वाब में मेरी दाढ़ी पकड़ ली और कहने लगी अब्बा मैं चाहती हूं तू सही हो जा, ऐसा ना हो कि फिर तेरे पीछे ये अजदहा लग जाए। हजरत मालिक बिन दिनार कहते हैं जब मैं सो के उठा तो मेरी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई, फिर उसके बाद मैंने तौबा की, इस तरह की तौबा की कि फिर मैंने कोशिश की कि दोबारा मैं अपने रब की नाफरमानी ना करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते थे जो दुनिया में हंस हंस के गुनाह करते हैं ना, हंस हंस के झूठ हंस हंस के बोलते हैं, हंस हंस के लोगों की गीबत करते हैं, फरमाया ये जो तुम्हें हंस हंस के गुनाह करते नजर आते हैं इनका रोना कयामत में देखा नहीं जाएगा, इनके आंसू कयामत में देखे नहीं जाए, जो हंस हंस के गुनाह करते ये रोएंगे। फल यदहकु कलीलम वल यबकु कसीरा, अल्लाह फरमाता है ज्यादा रोया करो कम हंसा करो। नबी पाक अलैहि सलाम रोते तो सहाबा कहते हुजूर आप इतना क्यों रोते हैं? तो महबूब फरमाते जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। भाइयों कब्रों में अकेले जाना है, कभी गौर करना, अकेले कोई बंदा साथ हिसाब देने नहीं जाएगा। अम्मा बड़ा प्यार करती है लेकिन कब्र में कभी कोई मां भी साथ दफन नहीं होती, अपना अपना हिसाब देना, मुश्किल वक्त है, हिसाब कर लेना चाहिए, तैयारी करके रखनी चाहिए। गुनाह अगर यहां हमारी जिंदगी को तंग करेंगे तो वहां भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा सत्तार है, और याद रखो जब कोई उसकी रेट को चैलेंज करे, जब कोई उसके कानून को तोड़े, जब कोई अल्लाह की एलानिया नाफरमानी करे, फिर रब करीम की गैरत को उसके अदल को जोश आता है, तौबा करे सच्ची, मस्जिद की हाजिरी दे पाबंदी के साथ। मेरी आपसे हमेशा ये गुजारिश रहती है कि मस्जिद की हाजिरी पाबंदी से दे। मैं अपील करता हूँ दाढ़ी रख ले, ये मेरे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि, वापस आ जाए। हमारी बका ना हमारे दीन में है, कोई नहीं हमें रखेगा, कोई नहीं रखेगा।